तो चलिए चलाते हैं इसके नाम एंड्रॉइड ऑटो और दिखाते हैं आपको जो इसकी स्पीकर की क्वालिटी है वो कैसी है। तो मैंने यहाँ पर गाना सेट कर दिया है अपने मोबाइल से, वायरलेसली मैं इसमें चलाऊंगा। तो आपने यहाँ पे स्पीकर की इसकी क्वालिटी सुन ली, काफी ज्यादा आपको अच्छे स्पीकर देखने को मिलेंगे। जो बेस है ना वो भी आपको एकदम अच्छा ही देखने को मिलने वाला है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसमें एक्स्ट्रा बेस यहाँ पर इंस्टॉल कराएं, तो आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है म्यूजिक का अच्छा मिलेगा। अभी हम गाड़ी के अंदर हैं, आपको यहाँ पर काफी अच्छे फीचर देखने को मिलने वाले हैं ग्रैंड विटारा अल्फा के अंदर, जो अल्फा के यहाँ पर टॉप मॉडल आता है। इससे ऊपर यहाँ पर आता है अल्फा प्लस और यहाँ पर इसका जेटा प्लस, पर उससे यहाँ पर थोड़े नीचे आते हैं क्योंकि अल्फा प्लस और जेटा प्लस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आते हैं। और वहीं बात करें अल्फा की, जेटा की और इसकी डेल्टा की और सिग्मा की, वो सब आपको स्मार्ट हाइब्रिड ऑप्शन में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिल जाता है वो 1.5 लीटर का, और जहाँ पर पावर मिलती है आपको लगभग 103 बेस की पावर देखने को मिल जाती है और 136 Nm का टॉर्क। और बात करें इसमें कुछ फीचर की, तो हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और काफी ज्यादा प्रीमियम को फीचर देने को मिलने वाला है। सर कैबिन कैबिन है ना, कैबिन की जो फील आपको लगने वाली है काफी ज्यादा प्रीमियम लगेगी। तो शुरुआत करते हैं हम इसके स्टीयरिंग से, तो स्टीयरिंग में आपको यहाँ पर जितने फीचर्स है ना, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वो सभी देखने को मिलेंगे। साथ में जाता आपको इसमें क्रूज कंट्रोल ऑन तो साथ में जाता है आपको इसमें क्रूज कंट्रोल का ऑन एंड ऑफ का स्विच, यहाँ पर आपको मोड दिए गए हैं, यहाँ से आप कॉल अलाउ कॉल डिक्लाइन कर सकते हैं और वॉइस असिस्टेंट भी यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। वॉइस कमांड एक्टिवेट करने के लिए आपको ऊपर दिया हुआ है माइक, माइक में किस साइड में जाते हैं आपको इसमें लाइट्स दी गई हैं, काफी दो लाइट देखने को मिलती है, और साथ में आप सनग्लासेस रख सकते हैं अपने, और यहाँ पे आपकी एक टच के अंदर सनरूफ ओपन एंड क्लोज हो जाती है। एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ पूरी कि आपको कितनी बड़ी यहाँ पर सनरूफ देखने मिलती है अल्फा वेरियंट से ही। तो ओपन करने के लिए आपको बस इसको ड्रैग करके होल्ड करके रखना है और यहाँ पर जो पूरी पैनोरमिक सनरूफ है ना वो ओपन हो जाएगी। तो देखिए कितनी ज्यादा इसमें स्पेस है, एक टच के अंदर आपकी जो पूरी है ना सनरूफ ओपन आपको देखने को मिलने वाली है, और काफी पीछे तक ये ओपन हो जाती है। सो काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। तो इसे हम बंद कर देते हैं अभी। सो बंद करने से ओपन करना काफी ज्यादा आसान है, और साथ में चलते हैं इसके हम थोड़े फीचर्स की तरफ। तो आपको मिल जाता है इसमें फ्रंट में एक यहाँ पर 9 इंच की टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसके अंदर मिल जाता है आपको एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, वो दोनों फीचर आपको देने को मिलेंगे। और स्पीकर की साउंड भाई मैंने अभी सुनी, काफी ज्यादा आपको अच्छी देने को मिलने वाली है। और साथ में इसमें जाता है आपको एसी के 4 वेंट आपके फ्रंट में दिए हुए हैं, और पीछे आपको यहाँ पर एक एसी का वेंट देने को मिल जाता है। और वहीं आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ यहाँ पर गाड़ी आती है, और इसमें हैंड ब्रेक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और यहाँ पर इसका हैंड रेस्ट देखने को मिलता है जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। और यहाँ से आपको चार्जिंग सॉकेट देखने मिलता है यूएसबी का, और पीछे आपको टाइप सी का देखने मिलेगा, और यहाँ पर उसका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, और ये सभी देखने मिलेंगे। इसमें आपको यहाँ पर जो मिलता है ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ का बटन, तो ये भी काफी अच्छा फीचर दिया गया है। और साथ में ही आप इसमें 360 डिग्री कैमरा भी यहाँ पर दिया गया है, 1 क्लिक के अंदर इसको सेट कर सकते हैं। मैं इसे दबाऊंगा और यहाँ पर ये कैमरा इसका ऑन हो जाएगा। आप इसके एंगल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से 1 क्लिक के अंदर, तो कुछ इस तरीके का इसका जो कैमरा है वो वर्क करता है 360 डिग्री का। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इसमें आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव फीचर देने को मिलने वाले हैं, जैसे कि बात करें इसमें जो MID है, MID के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो गाड़ी है वो किस बेसिस पर चल रही है, मोटर कितनी यूज कर रही है, साथ में इंजन वो कितना यहाँ पर यूज कर रही है, तो इस बेसिस पर आपको पता लगने वाला है। साथ में टेम्परेचर कंट्रोल दिख गया है, और यहाँ पे आपके एवरेज फ्यूल इकोनॉमी,
ड्राइविंग टाइम और यहीं से आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सभी देने को मिल जाएगी इसमें, टॉर्क एंड पावर वगैरह। और यहाँ मिल जाता है आपको 220 तक की स्पीड दी गई है लिमिट, और यहाँ पे आपको 8000 आरपीएम तक का इसमें मीटर दिया गया है विद यहाँ पर हीट टेम्परेचर मीटर, यहाँ पे फ्यूल गेज मीटर। तो ये सही फीचर देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा आपको अट्रैक्टिव देखने को लगने वाला है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंटीरियर की बात करें तो आपको काफी ज्यादा खूबसूरत इसका इंटीरियर यहाँ पर डिजाइन किया गया है विद यहाँ पर लेदर फिनिश के साथ। तो चलते हम बैक की तरफ देखते हैं किसके अंदर आपको जो बैक में कितना स्पेस दिया हुआ है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर जो उसका फ्रंट का स्पेस है मेरी 8.6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो मेरे लेग है ना वो टच नहीं हो रहे हैं इसके डैशबोर्ड से, और ये थोड़ी सीट यहाँ पर आगे भी है, इसमें थोड़ा पीछे कर सकता हूँ। और सीट इसकी एडजस्टेबल की बात करें तो इसके अंदर मिल जाता है आपको 4-way एडजस्टेबल यहाँ पर सीट दी गई है इसकी, और साथ में से आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी कोटावर साइड है वो भी काफी अच्छी से बैठेगा। और बैक की बात करें तो पीछे से आप देखिए यहाँ पर इसकी जो हाइट है बंदे की वो भी 6 फीट है, तो इसके लेग है ना वो भी यहाँ पर नहीं लग रहे हैं। तो एक बार चलते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं कि इसमें फीचर आपको कितना स्पेस देने को मिलता है और क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं।